खरगोन जिले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जेहादी आतंकवाद का पुतला फूका, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर विरोध दर्ज कराया। हम आपको बता दें कि कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला और आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान संगठनों ने अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जेहादी ताकतों को सबक सिखाने की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सनातन धर्मावलंबियों को कुंठाघात जो पहुंचाएगा, उसे समझाने को तो श्री राम खुद बुलाएंगे। कश्मीर की घाटियों में जो सनातन धर्मावलंबियों को चुन चुन कर मारने की जो प्रक्रिया चली है, उसके कारण आज हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। और ये पुतला दहन के माध्यम से हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे जहरीले सर्पों को मारना भारत को अच्छी तरह आता है। और आज आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व ये जिहादी आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो और तालिबानी सोच वाले पाकिस्तान जैसे देशों का सर्वनाश किया जाए। जहाँ तक कश्मीर की घाटियों में शांति की बात है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि जो सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, उनको वहाँ पर बसाया जाए और इस प्रकार की जिहादी आतंकी गतिविधियाँ चलाने वालों का सर कुचलने के लिए पूरी आज़ादी दी जाए, तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जिहादी आतंकवाद खत्म होगा। ये पुतला जो है जिहादी आतंकवाद का पुतला है और इस जिहादी आतंकवाद से संपूर्ण विश्व आज परेशान है। और ये जहरीले सर्प निश्चित तौर पर पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और बहुत जल्दी अब वो समय आ गया है कि ये जिहादी आतंकियों का अब सफाया होने वाला है। क्या नाम लिखा? दीप जोशी, जिला मीडिया प्रभारी, विश्व हिंदू परिषद। जो हत्याएं हुई वो हत्याएं धर्म पूछ कर, मजहब पूछ कर के हत्याएं हुई। और इन हत्याओं का बजरंग दल पूरे जोर शोर से आज संपूर्ण भारत में एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू सनातन धर्म के लोगों के साथ बजरंग दल खड़ा रहेगा। और यदि आवश्यकता पड़ी बजरंग दल को तो कश्मीर भी कूच करेगा। और ये जो सरहद के पार पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो विश्व के पटल पर इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उन पर कार्रवाई हो। आतंकवाद को पाल करके वही बैठे हैं और भारत का बजरंग दल अब पूरे विश्व में इसको लेकर के आंदोलन करने वाला है। मनोज वर्मा, प्रांत गोरक्षा प्रमुख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।